हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप सभी की डिमांड पर बनाने वाले हैं तिरंगा शाही राइस, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के। तिरंगा शाही राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और फ्लेम को ऑन कर रहे हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई की जगह भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि कुकर का यूज़ ना करें। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बासमती राइस लिया है, यानी चावल लिया है। यहाँ मैंने 1.5 कप चावल लिया है और इसे हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं। तो चावल को मैंने धो लिया है, तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 मैंने लौंग डाला है। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल रहे हैं, तो मैंने 1 बड़ी प्याज को लच्छेदार काट कर डाला है इसमें। इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और बीच बीच में चलाएंगे। प्याज को हम लाल नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और 1 मिनट भी हो गया है। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। यहाँ मैंने काजू और किशमिश लिया है, इसे आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे हम 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। किशमिश फूल गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरी मटर। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर ली है 1/2 कप। आप जाड़े के सीजन में फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं। बासमती चावल डाल देते हैं। चावल को मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और इसी के बाद ही मैंने इसे यूज किया है। 2 मिनट चावल को हमें अच्छे से फ्राई करना है और बीच बीच में मैंने इसे चलाया है। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच के लगभग नमक डाला है। एक बार फिर से मिला देते हैं। अब इसमें हमें पानी डालना है, तो यहाँ मैंने 2.5 कप पानी लिया है। मैंने 1.5 कप चावल लिया है और 1.5 कप में हम 2.5 कप पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद इसे हमें ढक देना है, तो यहाँ मैंने एक बार फिर से चला दिया है और इसे ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं लो मीडियम। आज हम तिरंगा शाही राइस बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ फूड कलर लिया है। एक ग्रीन कलर है और एक येलो कलर है। मैंने दोनों को 2-2 चुटकी लिया और 2-3 चम्मच पानी में अच्छे से घोल लिया है अलग अलग। लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है और यहाँ जो चावल का पानी है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यानी सूख गया है। अब इसमें हम कलर डाल रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर डाला है, जिसे हम केसरिया रंग भी कहते हैं। बीच में हम छोड़ देंगे, यानी चावल को वाइट रहने देंगे और किनारे पे मैंने हरा रंग डाला है, ग्रीन कलर। एक बार फिर से इसे ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को हम एकदम से स्लो कर देंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और इस समय हम इसे बिल्कुल भी खोलने वाले नहीं हैं, यानी ढक्कन नहीं हटाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। लगभग 15 मिनट हो गया है और यहाँ तिरंगा शाही राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी चावल बना रहे हों या कोई भी शाही राइस बना रहे हों, आप ढक्कन को तुरंत ना हटाएं गैस बंद करने के बाद। उसे आप 10 से 15 मिनट वैसे ही छोड़ दें, यानी ढका रहने दें, और 15 मिनट बाद ही आप उसका ढक्कन हटाएं। तो ऊपर येलो कलर आया है, बीच में वाइट है और नीचे ग्रीन है। तो ये तिरंगा शाही राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो बिना कलर के भी इस राइस को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
तिरंगा शाही राइस बहुत ही अच्छा बना है। चावल बिल्कुल खिले खिले यानी अलग अलग बने हैं, आपस में चिपके नहीं हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चावल में 2.5 कप पानी डाला है और मैंने पुराना बासमती चावल यूज़ किया है। नया चावल आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि वो गीला बनता है और उसमें पानी कम लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।